और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान फिर से कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान की बात। उनकी रणनीति जगत नड्डा जी का हमें प्राप्त मार्गदर्शन, प्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री शिखो कमाल योजना हो या केंद्र की योजनाओं का जो योग क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देव तुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम, और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रहकर काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ और जनता को पूरा यह विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर वादे को गारंटी को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका एक भी नहीं चूक रहे हैं, जीत हो गई है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल तो है ही। और वसुंधरा राजे ने अभी प्रेस से जो बात की, सारे बॉक्सेस राइट टिक किए हैं, उसका संकेत क्या है ये मैं यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनसे सवाल करने वाला हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।